जी नमस्कार। अभी हम आए हुए थे सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम में गड़बड़िया क्या हुआ है और सेंटर पर किस तरह का धांधली हुआ है, वो इसे यहाँ पे एक अभ्यर्थी है जो सीटेट एग्ज़ाम दे के निकले हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपाली भारती है। दीपाली भारती है इनका नाम। और दिक्कत क्या हुआ है आपको? वो जूम में ही रह गया, उसी स्टेज में बस टिका रह गया। अच्छा, आप एग्ज़ाम देने गए हैं अंदर? हाँ, उसमें वो उसके बाद सिस्टम को ऑन किया जाता है। हाँ, तो सिस्टम ऑन हुआ है आपका? हाँ, सिस्टम ऑन हुआ। क्वेश्चन दिखाया है? क्वेश्चन उसमें कुछ वक्त के लिए ठीक ठाक दिखाया, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो जूम स्टेज में चला गया। फिर जब उधर के जो सर थे, एग्जामिनर थे, जो भी थे, उनको बोला कि सर देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बोले कि ठीक है देखते हैं। तो वो मेरा कुछ 5 to 10 minutes टाइम भी लिए, और बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही जा रहा था, कभी क्वेश्चन गायब हो जा रहा था, कभी कुछ। तो उसमें यानी हमको लगता है कंप्यूटर हैंग कर रहा था क्या? ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा था, क्योंकि वो एक जगह पे जाकर अटक जा रहा था, तो उसका यही मतलब हुआ ना कि वो हैंग कर रहा था। कंप्यूटर हैंग कर रहा था तो आपने एग्जामिनर को क्यों नहीं बोले? अरे एग्जामिनर को दिखाया है, बोलने का तो छोड़िए। अच्छा। वो खुद कहे हमको कि नहीं, हमको छूना नहीं है, आप यूज़ कर रही हैं। तो हम बोले कि मैं आपको बोलती हूँ आंसर आप करो, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है। इधर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो देखे कि इससे नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा। हो रहा है, तो वो देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसी स्टेज में हो गया, अब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या आप कह सकते हैं कि जो सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन, इसमें कठिनाइयां जो आपकी आई है, क्या एग्ज़ामिनर उसको आपको अनदेखा किया है क्या? वो तो पूरी तरह अनदेखा किया, क्योंकि कोई पैसा लगाता है, एग्ज़ाम देने जाता है, और उसमें भी कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना कर पाए। आप तो आए कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से हैं, लेकिन जो आपका आपका दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं? क्वेश्चन 65% ही अटेम्प्ट हो पाया। 65, यानी टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं हुआ है ना? बहुत ख़राब चला गया। अब क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है, एक तो वो एग्ज़ामिनर ले लिया टाइम ठीक करने के चक्कर अच्छा, में अच्छा। और दूसरा टाइम चला गया वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, अगर 2-3 बार पढ़ना है तो उसको बार बार इधर से उधर स्क्रॉल करते रहो। तो मान लिए कि आपको गद्यांश जो दिया हुआ है उसको स्क्रॉल करके तो पढ़ना ही पड़ता है। जैसे गद्यांश दिया हुआ है तो आप छोटा करके भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, छोटा करके पढ़ सकते हैं, आँखों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं। हाँ, हाँ। एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वो ऑलरेडी बड़ा है तो उसमें तो दिक्कत होगा, और उसमें पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको गद्यांश दिया जाएगा। अच्छा, वापस से जाके फिर से पढ़ना है, तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो। तो आपके साथ सीटेट जो एग्जामिनर था वो धांधली किया क्या? बुरा किया है इतना। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ हम जो आए हुए हैं सेंटर पर, और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर इनका अनदेखा किया हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके कमेंट करिएगा, और जो कमेंट बॉक्स है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस तरह का अगला किसी के साथ क्या हो कि इस तरह का ना हो। आपका सेकेंड पेपर भी है क्या? हाँ, सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर भी है ना? वो कौन सा है, साइंस है या? साइंस है, साइंस, साइंस है। ओ साइंस है ना? ओ सेकेंड शिफ्ट इनका साइंस है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।